नमस्कार, मैं हूं हेमंत और आप देख रहे हैं सेन 24। रुक कर लेते हैं अभी तक के अहम खबरों पर। रायगढ़ जिले में स्थापित जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड की उपलब्धि विश्वविख्यात है। जिस जगह से देश विदेश में नाम कर रहा है, उसी जगह के जमींदाता को उद्योग प्रबंधन भूलता जा रहा है। जबकि औद्योगिक नीतियों के आधार पर JSPL रायगढ़ के किसानों की जमीन अधिग्रहण के लगभग एक दशक बीत जाने के बाद भी भू प्रभावितों को नौकरी देना तो दूर, उनके आवाज को ही दबा देना चाहता है। रायगढ़ जिले में संचालित जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड की उपलब्धि विश्व विख्यात है। रायगढ़ जिले में स्थापित उद्योग जिस जगह से देश विदेश में नाम कर रहा है, उसी जगह में जमींदाता को भूल गया है। औद्योगिक नीतियों को दरकिनार कर JSPL रायगढ़ के किसानों की जमीन अधिग्रहण के लगभग एक दशक बाद भी भू प्रभावितों को नौकरी देना तो भूल ही गया है। साथ ही साथ अपने हक की मांग करने वाले ग्रामीणों को उद्योग प्रबंधन के आला अधिकारी खरी खोटी सुनाने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। JSPL के अधिकारियों की इसी दुर्व्यवहार की शिकायत लेकर मंगलवार को ग्रामीण SDM कार्यालय पहुँचे, जहां उन्होंने बताया कि JSPL के वादा खिलाफी के विरोध में जब धनागर के युवा धरना प्रदर्शन कर चक्का जाम कर रहे थे, तब जिला प्रशासन की पहल से ग्रामीणों व JSPL के साथ प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में त्रिपक्षीय वार्ता हुई थी। तब जिला पंचायत अध्यक्ष निराकार पटेल ने मध्यस्थता कर ग्रामीणों को न्याय दिलाने की बात कही थी। जिंदल प्रबंधन ने मार्च महीने से भू प्रभावितों को नौकरी देने सहमति दी थी, परंतु अब जब ग्रामीण JSPL के दफ्तर जाते हैं तो उनके साथ अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है, जिससे क्षुब्ध होकर उन्होंने SDM युगल किशोर उर्वशा से शिकायत की है। शिकायत मिलते ही SDM ने JSPL के अधिकारियों को फोन कर नाराजगी जाहिर की, जिसके बाद जिंदल उद्योग प्रबंधन ने जल्द ही सभी भू स्थापितों को नौकरी देने का आश्वासन दिया है। भू प्रभावित ग्रामीणों में से 5 लोगों को एक साथ JSPL में काम मिलेगा। इस बात का आश्वासन मिलने के बाद अब ग्रामीण कुछ राहत महसूस कर रहे हैं। सर, ये वादा पूरी तरह से एक युवाओं का शोषण के रूप में साबित हुआ और हम लोगों को आश्वासन दिया गया था, लेकिन बार बार हमको प्रशासन और जिंदल के गेट में हमको दौड़ाया जा रहा है। और कुछ और बात करती है जिला जिंदल और वहाँ कुछ और बात करती है। हाँ, प्रशासन के सामने बोला गया था कि 55 की जो दर है उसमें लेते जाएंगे, किंतु ऐसा अभी तक उनके सामने जाते हैं तो हमें नहीं, प्रशासन के बीच ऐसा कुछ बात हुआ तो उसको एक्साइट कर देते हैं और हमारे बात को एक्साइट कर देते हैं। आप लोगों से 55 की लिस्ट मांगी गई थी, लिस्ट दिया आप लोगों ने? हाँ, हम लोग लिस्ट दे दिए थे, फिर भी वो लोग वेरिफिकेशन लिस्ट ये वो बोल के हमारे बात को टाल देते हैं। पिछली बार आप लोग के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष भी आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया था, उनका आश्वासन क्या हुआ? उनका आश्वासन भी केवल मुंह में ही रह गया, पूरा झूठा साबित हुआ। अगर आप अब भी आज भी आप ज्ञापन देने आए हैं, अगर आज भी आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती, नौकरी नहीं मिलती, तो क्या करेंगे आप लोग आगे? सर, हम लोग तो इसके बाद अब उग्र आंदोलन और साथ ही साथ आत्महत्या के लिए विवश भी हो जाएंगे और जिस स्थिति से लड़ाई लड़ना होगा हम उस लड़ाई में अब उतरने को तैयार हैं। सर, जो बात हुई थी उसमें हम लोग को रिटर्न में लिखित में दिया भी गया था कि मार्च से स्टार्टअप होना है, 5-5 करके लेंगे। और उसके बाद भी सर हमारे गांव के नेता भी आए हुए थे, जिनको हम जिता के लेके आए थे, निराकार पटेल जी। अब ये कागज़ को JSPL में हम लोग ले करके जा रहे हैं तो सामने वाला बोल रहा है कि जो शासन प्रशासन कागज़ है उसको हम लोग मान्य नहीं रख रहे हैं और हम लोग को धक्का मार के बाहर निकाल दिया जा रहा है, हम लोग की बात नहीं सुनी जा रही है। फिर आप लोग आज ज्ञापन देने के लिए आए हैं? जी सर। अगर मान लीजिए आज भी ज्ञापन देंगे और आप लोग को नौकरी नहीं मिलेगी तो आगे युवाओं आप लोग क्या करने का सोचे हैं? सर, अब उग्र रूप से आंदोलन ही कर सकते हैं। त्रिपक्षीय वार्ता का भी कोई हल नहीं निकला? कोई हल नहीं निकला है सर। जो कागज आप दिखा रहे हैं, वो कागज लेके जब जिंदल जा रहे हैं तो क्या कह रहे हैं अधिकारी? सर, हम लोग को बात ही नहीं करने दिया जा रहा है, हम लोग को गेट से ही धक्का मार के बाहर निकाल दिया जा रहा है। पिछली बार त्रिपक्षीय वार्ता में आप लोगों के जिला पंचायत अध्यक्ष भी आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि आप लोगों की लड़ाई लड़ेंगे, आप लोगों को नौकरी दिलवाएंगे, उनका वादा क्या हुआ? सर, नेता ऐसे हैं, होने को तो वो आते हैं और जाते हैं सर। जीतने से पहले उन लोग बहुत से वादे करते हैं, जीतने के बाद सर वो सारे कोई भूल जाते हैं। समस्या जस की तस है। समस्या सर वही है और उसका समाधान अभी तक हो नहीं पा रहा। धनागर के युवा लोगों के द्वारा पिछले दो मंथ में जिंदल में नौकरी के नाम पर उनके द्वारा एक चक्का जाम करने की चेतावनी दी गई थी, उसके संदर्भ में त्रिपक्षीय वार्ता हुआ था और उसमें जिंदल प्रबंधन के द्वारा स्टेप बाय स्टेप नौकरी देने की बात हुई थी। अभी भी उनसे बात हुई है तो नेक्स्ट वीक में इस संबंध में कुछ कार्रवाई की जाएगी और लोगों को प्राथमिकता के आधार पर वहां पर रोजगार देने की बात कही गई है।
रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।